चालू करिए। प्रणाम महोदय। मानवर आपके अनुमति से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं गृह सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दे। आज हम माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी श्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज होने वाला ये समझौता विगत वर्षों में भारत सरकार द्वारा उग्रवाद को समाप्त करने और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थायी शांति की स्थापना करने के लिए किए गए कई समझौतों की अगली कड़ी है। जहां तक त्रिपुरा की बात है, अगस्त 2019 में NLFT SD के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके फलस्वरूप 44 हथियारों के साथ 88 कैडर ने आत्मसमर्पण किया था। इसी तरह त्रिपुरा के इतिहास, भूमि व राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा से संबंधित त्रिपुरा के स्वदेशी लोगों के सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए दिनांक 2/3/2024 को त्रिपुरा मोथा व अन्य हितधारकों के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। आज के इस विशेष दिन पर यहां उपस्थित माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, त्रिपुरा के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्रालय एवं त्रिपुरा सरकार के अधिकारी तथा उपस्थित दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों और साथ ही यहां उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों और साथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आप सभी का इस स्वर्णिम क्षण का हिस्सा बनने के लिए स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं सलाहकार पूर्वोत्तर गृह मंत्रालय श्री AK मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वे विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें। महोदय, आपकी अनुमति हो तो आज इस ऐतिहासिक समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए NLFT और ATTF के एक 10 सदस्य प्रतिनिधिमंडल उपस्थित है, जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगा। NLFT के तरफ से यहां हस्ताक्षर करने के लिए जो लीडर्स मौजूद हैं, श्री विश्वमोहन देव वर्मा, श्री उपेंद्र रियांग, श्री परिमल देव वर्मा, श्री प्रसन्नजीत देव वर्मा और ATTF के तरफ से श्री आलेंद्र देव वर्मा और उनके सहयोगी जो यहां उपस्थित हैं वो है सोनाधन देव वर्मा NLFT के तरफ से, विक्रम बहादुर जमातिया NLFT के तरफ से, विद्याधर त्रिपुरा NLFT के तरफ से, राकेश देव वर्मा ATTF के तरफ से एवं कांति मारक NLFT के तरफ से। अब मैं NLFT और ATTF के जो प्रतिनिधिगण यहां उपस्थित हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आदरणीय गृहमंत्री जी का एवं अन्य VVIP उपस्थित जो हैं उनका स्वागत बाद में करते हैं, पहले समझौता और स्पीच कर दो तो ये लोग फ्री हो जाएंगे। मानवर, अब हम समझौते पे हस्ताक्षर की कार्रवाई करेंगे।
अब मैं एनएलएफटी से के प्रतिनिधि श्री उपेंद्र यांग से अनुरोध करूंगा कि वो उद्बोधन दें। ऑनरेबल होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, ऑनरेबल एमपी फ्रॉम त्रिपुरा हिज हाइनेस प्रद्युत किशोर माणिक्य, ऑनरेबल एमएलए फ्रॉम त्रिपुरा श्री रंजित वर्मा, ऑफिशियल्स फ्रॉम दी एमएचए, माय टीम मेंबर्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम दी टुडे we are grateful to the honorable home minister for facilitating the signing of this agreement with the ATTF and NLFT. We are grateful to the government led by Sri Narendra Modi ji, honorable prime minister of India. It's way back in 1989 we started this movement for the oppressed Tripurasas. It's 35 years now. And we are grateful to the present government led by Prime Minister Sri Narendra Modi ji. We trusted the BJP government, so we decided to return. We decided to give up arms struggle, believing in the BJP government. So it's a historic day for us, and we hope the aspirations of the Prasas will be fulfilled through the charter of demands that we have submitted. And we are grateful to the Honorable Home Minister. He has proposed some economic package also for the process and the welfare of the process in the interior areas. However, we would like to request the Honorable Home Minister to continue to support us in solving the problems of the process. We hope the Honorable Home Minister will continue to cooperate and look after as citizens of India. So, with this, I would conclude my speech. Thank you all. धन्यवाद। अब मैं त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जी से अनुरोध करूंगा कि वो उद्बोधन दें। Good afternoon to all. On the occasion of signing of the Memorandum of Settlement, we have with us Honorable Union Home Minister, Sri Umesh Shahji, Sri Biplab Kumar Devji, MP, West Tripura Lok Sabha Constituency, Maharaja Pradyut Manikaji, MDC of TTADC, Sri Ranjit Debarma, MLA of Tripura, Home Secretary Sri Govind Mohanji, Additional Secretary Sri Pijush Goyalji, Director Intelligence Bureau Sri Tapan Dekaji, Advisor Sri Akshay Mishraji, Chief Secretary Government of Tripura Sri J.K. Sinhaji, and representatives of National Liberation Front of Tripura and All Tripura, Tiger Force and other officials. At the outset, I would like to express my gratitude to the Honorable Home Minister Sri Umesh Shahji for being instrumental in creating an atmosphere of peace, prosperity and goodwill in the entire Northeast region. Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and proactive initiative of Honorable Home Minister Sri Umesh Shahji, a dozen of peace agreements have been signed in the Northeast in the last 10 years to resolve many of the complex issues, out of which for Tripura alone there are 3 agreements so far. It is a matter of great satisfaction that the members of National Liberation Front of Tripura NLFT and All Tripura Tiger Force ATTF have decided to join the mainstream for participation in the development journey spearheaded by our Honorable Prime Minister. There are many schemes, programs
and projects of both the government of India and government of Tripura, which have been transforming the lives of all section of people of Tripura, including our Janajati brothers and sisters. The future of all the people of Tripura is bright under the visionary leadership of Honorable Prime Minister and benevolent guidance of our Honorable Home Minister, Sri Amit Shah Ji. Once again, my sincere and heartfelt thanks to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi Ji, and Honorable Union Home Minister, Sri Amit Shah Ji, for the historic milestone. Last but not the least, I welcome all the members of National Liberation Front of Tripura, that is NLFT, and all Tripura Tiger Force ATTF back to the life of peace and prosperity with the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikash, Sabka Vishwas, and wish them a grand future. Thank you very much. Jai Hind. Dhanyawad. Maniye Kendriya Grah Mantri evam Sahakarita Mantri Shri Amit Shah Ji se anurodh hai ki wo hum sabko margdarshan de. आज के त्रिपुरा की विकास और शांति के लिए इस महत्वपूर्ण समझौते के कार्यक्रम पर उपस्थित त्रिपुरा के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉ. माणिक शाह जी, मेरे मित्र और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी, राजा साहब, मुख्य सचिव त्रिपुरा और मेरी लेफ्ट साइड पर बैठे हुए भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक श्री तपन डेका जी, एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट श्री पीयूष गोयल जी, हमारे शांति वार्ताकार जो उपस्थित हैं, और एनएलएफटी और एटीटीएफ के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, आज हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है कि 35 साल से जो द्वंद चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो आज आप सभी ने शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में वापिस आना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से शांति और संवाद के माध्यम से सक्षम और विकसित नॉर्थ ईस्ट की कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी है। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों और दिल्ली के बीच में एक बड़ा फासला था, ये फासला उन्होंने एक प्रकार से रोड, रेल और विमानों से जोड़कर तो दूर किया ही किया, परंतु साथ में दिलों का फासला भी दूर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट और पूर्वोदय, ये दोनों को मिल मिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा समेत नॉर्थ ईस्ट का विकास का एक संकल्प जो भारत सरकार ने लिया है, उसमें आज एक बहुत बड़े माइलस्टोन को पार करने में हम आज सफल हुए हैं। मित्रों, आज का यह समझौता 12वां समझौता है नॉर्थ ईस्ट के लिए और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ एक तीसरा समझौता है, और अभी तक लगभग 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, हथियार छोड़ा है और मेन स्ट्रीम में आए हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे हजारों भाइयों की आइदर और साइड से, चाहे नागरिक मले, सुरक्षा बल मले, या हमारे ही लोग जो हथियार हाथ लेकर संघर्षरत थे वो मरे, हजारों लोगों की मृत्यु के कारण को रोकने का बड़ा इनिशिएटिव ये 12 शांति समझौतों ने किया है। आज एनएलएफटी और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इससे सरेंडर होने से, ये समझौता होने से लगभग 328 से ज्यादा सशस्त्र कैडर आज मेन स्ट्रीम में आएंगे, उनके परिवार के साथ रह पाएंगे, भारत के नागरिक होने का गौरव भी प्राप्त करेंगे और विकसित त्रिपुरा में अपना योगदान भी दे जाएंगे। भारत सरकार ने तय किया है ये सारे शांति समझौते जो होंगे उसमें उस क्षेत्र के विकास और हथियार उठाने के कारणों को निर्मूल करने के लिए हम हृदय से संवेदनशीलता के साथ प्रयास करेंगे। हमने 250 करोड़ रुपए का पैकेज इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मंजूर किया है, जिससे आपके मन में जो कसक थी कि एक क्षेत्र का, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ हो नहीं रहा था,
वो कसक को हम समाप्त कर पाएंगे। चाहे बोडो समझौता हो, चाहे बाकी सारे समझौता हो, चाहे ब्रू रियांग समझौता हो, हमने हर समझौते को जमीन पर उतारा है। और ये हमारी सरकार का इतिहास रहा है मोदी जी के नेतृत्व में कि समझौता कागज का टुकड़ा नहीं होता है, हृदय की भावना होता है, और इसको हमने जमीन पर उतार कर दिखाया है। आज हजारों ब्रू रियांग भाई अच्छे घर में रह रहे हैं, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से वो अपना आचरण कर रहे हैं, उनकी रोजगारी की चिंता हो रही है, और भारत सरकार की सारी 300 स्कीमें उनके लिए आज प्राप्त हो गई है, इनकी प्रायोरिटी भी तय की है। और मैं विश्वास दिलाता हूं और त्रिपुरा टाइगर फोर्स और एनएलएफटी के सभी साथियों को कि हम समझौते का फुल स्टॉप कोमा में पालन करेंगे और आपकी सभी अपेक्षाओं को गृह विभाग परिपूर्ति करेंगे। मैं राजा साहब बैठे हैं यहाँ पर, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि त्रिपुरा में जो आदिवासी भाइयों में एक प्रकार से मंदूक था, अंडरेश था, उसको दूर करने में उन्होंने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। अब हम सब आगे निकलकर सशक्त त्रिपुरा की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ, शुरुआत त्रिपुरा के समझौते से ही हमने करी थी। 2019 में एनएलएफटी एसडी समझौता हुआ, दूसरा समझौता भी त्रिपुरा से ही हुआ, ब्रू रियांग समझौता हुआ, फिर बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, असम का 22 में आदिवासी शांति समझौता हुआ, 22 में ही असम मेघालय अंतर्राज्य सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल सीमा का समझौता हुआ, डीएनएलए शांति समझौता 2023 में हुआ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ शांति समझौता 23 में हुआ, और उल्फा का भी शांति समझौता 23 में हुआ है। 24 में चुनाव के तुरंत बाद आज ये समझौता हो रहा है, इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है। बीच में भी त्रिपुरा का समझौता एक हमने किया था, अब सफा भी पूरे त्रिपुरा से हमने उठा लिया है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से भी अब सफा का एरिया हमने कम कर सशस्त्र बलों की जगह विकास के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट की जनता और विशेषकर आदिवासी समूहों के लिए मन के दरवाजे खोलकर संस्कृति, भाषा, पहचान, ये सारे मुद्दों को समाहित करते हुए, इसको सुरक्षित करते हुए एक समग्र नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। मैं आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भारत सरकार की ओर से कि आपने इतना पुराना 35 साल पुराना संघर्ष छोड़कर मोदी जी की सरकार पर विश्वास रखकर, भारत के गृह मंत्रालय पर विश्वास रखकर इस समझौते में हस्ताक्षर किए हैं। हम सब यहाँ जो बैठे हैं, त्रिपुरा सरकार के लोग, त्रिपुरा का नेतृत्व और भारत सरकार विशेषकर गृह मंत्रालय, हम सब आपको भरोसा देना चाहते हैं इस समझौते को अक्षर स लेटर और स्पिरिट में हम इसका पालन करेंगे और आपकी सभी अपेक्षाओं पर हम खड़े उतरेंगे। फिर से एक बार एनएलएफटी और त्रिपुरा टाइगर फोर्स के सभी पदाधिकारियों का और आपके सभी कैडर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं। आपका स्वागत है भारत की मेन स्ट्रीम में, आपका स्वागत है त्रिपुरा के विकास के अभियान में जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री जी तथा वहां से पधारे अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बहुत आभार, और गृह सचिव महोदय, डीआईबी साहब और सभी अधिकारीगण, और हमारे एनएलएफटी और एटीटीएफ के जो साथी आज हमारे साथ हैं उपस्थित, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एनएलएफटी और एटीटीएफ के जो प्रतिनिधि मंडल उपस्थित है उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक के बाद एक आकर के
ফসি গলি নহয় তাত এনেকৈ ভিতৰলৈকে যোৱা টান।